नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता ही नहीं है, एक धरती पछाड़ थे, वो हर जगह चुनाव लड़ते थे। हाँ, धरती पछाड़ नाम था उनका, सॉरी धरती पकड़। हाँ, तो वो तो हर जगह, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे, तो इसलिए वो सोचते थे मुझे प्रधान। तो धरती पकड़ जब हर जगह चुनाव लड़ता था तो होने दीजिए ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लोग अगर सोच रहे हैं कितना फायदा मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा। ये तो आकलन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि भारत जोड़ना क्यों, क्योंकि टूटा कहाँ से है। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना, कहीं टांग टूटी तो प्लास्टर चढ़ाओ, तो मतलब टांग टूटी उसका एक्सरे होगा, फिर कहाँ टूटी, तो एक्सरे के बाद में जोड़ेंगे ना उसको। तो पहले ये तो बताओ कि भारत टूटा कहाँ है। टूटा है जब पाकिस्तान बना, तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है, नाना या दादा, दादा के समय पर टूटा है। हाँ, दादा के समय पर टूटा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर। और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को, 370 धारा हटा दी हमने, तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के बाद धारा 370 हटाई, तो जोड़ने का काम हमने किया। अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो, तो एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए मैं बैतूल से ही आपके माध्यम से राहुल जी को संदेशा भेजती हूँ कि भारत जोड़ने में एक चीज अभी शेष है, और वो है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कृपया इस यात्रा को वहां तक ले जाइए और उसको जोड़ के ही वापस लौटिएगा, नहीं तो मत लौटिएगा, इधर उधर ही रहिएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।